तो गाइस ये रही मेरी आईफोन 11 जिसे मैंने सेल बडी से बाय किया है। पहले भी मैंने इसका अनबॉक्सिंग कर रखा है लेकिन एक बार फिर से आप सभी के लिए एक प्रॉपर अनबॉक्सिंग मैं कर रहा हूँ इसका, और इसकी प्रॉपर स्पेसिफिकेशन और सब कुछ मैं बताने वाला हूँ इसके बारे में कि आप सभी लोग कैसे आईफोन बाय करना है सेल बडी की तरफ से। तो इसे अनबॉक्स करते हैं, इस बॉक्स को ऊपर करते हैं। ये सामने मेरा आईफोन जैसे कि रखा हुआ है आप सभी लोग देख ही सकते हैं, मैंने पहले से इसे ऑन कर दिया है। देख सकते हैं गाइस ये ब्रांड न्यू कंडीशन में है, बस इसकी जो स्क्रीन थी जो इसकी स्क्रीन में है थोड़ी बहुत इसमें आप सभी लोग स्क्रेचेस देखने को मिले थे मेरे स्क्रीन में। ये मैंने ऊपर से टेम्पर लगा दिया तो आप सभी लोग समझ नहीं आता होगा, लेकिन ये जो कंडीशन है ब्रांड न्यू है। बैक की साइड कोई भी स्क्रेचेस वगैरह देखने को नहीं मिले थे, बस ये कैमरा की साइड आप सभी को थोड़ा सा मतलब डेंट देखने को मिलता है। बाकी पूरा भी कंडीशन, कोई भी कंडीशन में कोई भी कमी नहीं है, पूरी कंडीशन आप सभी लोग ब्रांड न्यू देखने को मिलती है। ये आप सभी लोग गाइस देख सकते हो, और गाइस आप सभी लोग साइड से भी मैं दिखा देता हूँ और देखते हैं बॉक्स में मुझे क्या क्या मिला था। तो बॉक्स में मुझे बस ये कि ये चार्जर मिला था और आप सभी लोग को और ये एप्पल का ओरिजिनल चार्जर और ओरिजिनल केबल मिला गाइस, और बॉक्स में ऐसा कुछ भी खास नहीं है। तो बॉक्स में ऐसा कुछ भी खास नहीं दिखा, तो खास था बस ये फ़ोन और इसके साथ कोई भी लीड वगैरह देखने को नहीं मिली थी। ये फ़ोन आप सभी लोग देख सकते हैं पर ब्रांड न्यू कंडीशन में। कल मैंने आप सभी लोग इसका सीरियल नंबर वगैरह चेक करके दिखा दिया कि ये फ़ोन ओरिजिनल है, और ये फ़ोन मेरा जो है गाइस ना ही इंडियन वर्जन है ना ही चाइनीज़ वर्जन है, मेड इन चाइना है, लेकिन ये गाइस यूएसए वर्जन है। अगर आप सभी लोग गाइस पता करना है कि आपका फ़ोन कहाँ का है और आप सभी लोग कौन सी कंट्री का फ़ोन है, तो आप सभी लोग सिंपली जाना सेटिंग में, और सेटिंग में जाते ही जनरल में जाना है और अबाउट सेक्शन में जाना है। अबाउट सेक्शन में जाते हैं, देखते हैं आप सभी लोग का मॉडल नंबर है, तो मॉडल नंबर का जो ये स्लैश है स्लैश ए के बाद आप सभी लोग देखेंगे LL है, तो आपके मॉडल में देखना है मेरा LL है। तो मैं आपको सभी को दिखा देता हूँ कि कौन सा मेरा मॉडल है। सिंपली चलता हूँ सफारी ऐप में, जैसे मेरे नेट खुला हुआ है और यहाँ मैंने सर्च करके रखा गाइस, तो मेरा LL है। तो आप सभी लोग मैं दिखा देता हूँ, जैसे LL आप सभी लोग देख सकते हैं LL, तो ये USA का फ़ोन है मेरा। तो गाइस ये मेरे USA वेरिएंट का फ़ोन है। अगर आप सभी के फ़ोन में अगर J रहता है जैसे जापान का है, और अगर आप सभी का इंडियन वेरिएंट का फ़ोन होगा तो गाइस तो आप सभी लोगों को लिखा होगा उसमें HN। इसकी थोड़ी क्वालिटी ख़राब है, मैं आप सभी को स्क्रीनशॉट डाल के दिखा दूंगा। उसमें लिखा रहेगा अगर आप सभी का इंडियन वेरिएंट का है तो उसमें HN लिखा होगा स्लैश के पहले ही। ये आप सभी लोग देख सकते हैं स्लैश, उससे पहले आप सभी जो भी रहेगा जो भी आप सभी जैसे LL है मेरा, तो ये मेरा USA वेरिएंट। और आप सभी लोगों को अगर मैंने कल की वीडियो में बता ही दिया था कैसे आप सभी लोगों को सीरियल नंबर चेक करना है, इस पर मैं डेडिकेटेड बताऊंगा वीडियो बनाऊंगा कि आप सभी लोगों को अगर सेकंड है आईफोन बाई करना है तो आप सभी लोग क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी। पूरा का पूरा फ़ोन ब्रांड न्यू कंडीशन में गाइस, इसमें कोई भी शक नहीं है, आप सभी लोग देख ही सकते हैं, और सब कुछ प्रॉपर काम करता है गाइस, और सब कोई भी दिक्कत नहीं है सेल बडी की तरफ से। आप यहां से बिल्कुल रेकमेंड मैं करूंगा कि मैं यहां आप सभी लोग यहां से फ़ोन बाई कर सकते हो, इसमें कोई शक नहीं है, ये जेन्युइन प्रोडक्ट है मेरे हिसाब से। और इसकी जो प्राइसिंग है, बहुत सारे लोग ने मेरे प्रीवियस वीडियो में पूछ रहे थे इसकी क्या प्राइसिंग पड़ी थी, तो इसकी जो प्राइसिंग पड़ी थी मुझे गाइस 31,000 रुपये इसकी प्राइसिंग पड़ी थी। इसकी वेबसाइट पे इसकी प्राइसिंग देखेगी 29,999। तो मैंने वेबसाइट से ही बुक करा, फिर उन्होंने कॉल करा और उन्होंने मुझे कॉल करके कहा अगर आप सभी को ब्रांड न्यू कंडीशन का आईफोन चाहिए आईफोन 11 तो आप सभी को 1,500 रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे। तो मैंने उनकी बात मानी लेकिन मैंने उनसे थोड़ा सा नेगोशिएट करा, मैंने कहा 1,000 रुपये एक्स्ट्रा दूंगा, मतलब 31,000 रुपये में आप डील डन कर दो। तो उन्होंने दोबारा कॉल करके डील डन कर दी और मैंने फिर अपना एड्रेस वगैरह दे दिया। और गाइस जब भी आप सेल बडी से आप फ़ोन बाई करोगे तो आप सभी लोगों को 499 रुपये पर एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे आपके फ़ोन के प्राइसिंग के अलावा। वो कुरियर चार्जेस लगते हैं, तो आप सभी लोगों को पहले उनको कुरियर चार्जेस भेजना पड़ेगा, फिर वो आप सभी को जो भी प्रोसेस होता है आपका डिलीवरी का वो आपका एड्रेस मांगेंगे और आपके फ़ोन को एड्रेस में डिलीवर करवा देंगे। गाइस ये था मेरा सारा प्रोसेस, जैसे कि मैंने आप सभी लोग बता दिया कैसे आप सभी को आईफोन को बाई करना है सेल बडी की तरफ से। और गाइस की जो कंडीशन बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन है, बस थोड़े से स्क्रैचेस वगैरह देखने मिले थे लेकिन ये कोई दिक्कत नहीं है गाइस। और इसकी जो एक्सपायरी डेट है तो आप सभी लोगों को एक्सपायरी डेट तो इसका एक्सपायर हो गया लेकिन, और ये फ़ोन गाइस वेंडर आईडी का 6 मंथ की वारंटी के साथ देखने को मिलता है। और इसकी बैटरी हेल्थ मैं फिर से एक बार चेक करा देता हूँ, बैटरी हेल्थ जो मुझे मिली है गाइस वो मिली है 100%, देखते जैसे कि देख सकते हैं बैटरी हेल्थ ये 100% मुझे देखने को मिली है बैटरी हेल्थ गाइस। तो मेरे फ़ोन में मुझे 100% देखने को मिली थी जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं। और भाई बाकी कोई कंडीशन बिल्कुल गुड है गाइस, आप सभी लोग कैमरा सिंपल मैं दिखा दूंगा, आप सभी लोग स्क्रीन पे जैसे देख रहे हैं कैमरा कंडीशन, कैमरा भी बहुत ज़्यादा अच्छा और बहुत ज़्यादा जेन्युइन प्रोडक्ट है।
और आप सभी लोग एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगे आप अगर आप सभी लोगों को सेकंड हैंड आईफोन बाय करना है तो कैसे बाय करना है, क्या क्या चीजें आप सभी को चेक करना है। सो गाइस आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद लगी हो, पसंद लगी हो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।